हाय फ्रेंड्स वेलकम टू टारगेट जीएसएससी तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर पार्ट टू के बारे में ये वीडियो आपका झारखंड के सीजियल एग्जाम के साथ साथ आने वाले झारखंड के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है देख सकते हैं आप हाल ही में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है तो हमारे पास ऑप्शन है पहला अनिल कुमार महतो बी है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह सी है रामेश्वर उरांव और डी है शुभम राज तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये अनिल कुमार महतो जबकि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है जेक का तो ये दोनों पॉइंट्स आप आज रखें एग्जाम में कभी भी किसी तरह से पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है देख सकते हैं झारखंड के वर्तमान सार्वजनिक एवं उपभोक्ता विभाग वित्त मंत्री कौन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारे पास है मितेश ठाकुर बी है सत्यानंद भोक्ता सी है श्री बादल और डी है रामेश्वर उरांव तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रामेश्वर उरांव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामेश्वर उरांव ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अभी झारखंड के सार्वजनिक एवं उपभोक्ता विभाग वित्त मंत्री हैं ठीक है याद रखिएगा वहीं बात करें अगर मिथिलेश ठाकुर के बारे में तो ये अभी झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छ विभाग के मंत्री हैं ठीक है मिथिलेश ठाकुर जबकि सत्यानंद भोक्ता जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये है अभी श्रम रोजगार कौशल विकास मंत्री हैं ठीक है और श्री बादल कौन है तो श्री बादल अभी कृषि मंत्री हैं झारखंड के ये याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत पहला ऑप्शन हमारे पास है पाँच अप्रैल दो बी है आठ जनवरी दो सी है एक अप्रैल 2021 और डी है पंद्रह नवंबर 2021 तो इसमें से राइट आंसर थर्ड का आपका क्या हो जाएगा एक अप्रैल 2021 को झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी ठीक है अच्छा ये योजना है किस चीज़ का तो ये झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए कहा था ना कि बेरोजगारी भत्ता देंगे वही योजना है ये ठीक है ये उन्हीं को मिलेगा जिनका परिवार का आय तीन लाख से तीन लाख से कम है और साल भर में आपको पाँच हज़ार रुपये ही मिलेंगे तो अभी इस पर जो है स्थगित कर दी गई है योजना अभी तक किसी को मिला नहीं है शायद किसी को मिला हो तो बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है पहला ऑप्शन हमारे पास है स्टूडेंट चीफ मिनिस्टर फंड योजना बी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सी है एजुकेशन स्टूडेंट योजना और डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है तो इसका ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसमें देखिए दस लाख का एजुकेशन लोन मिलेगा दस लाख का ठीक है दस लाख का मिलेगा जो आरक्षित आते हैं वही उन्हीं को मिलेगा जनरल वालों को नहीं मिलने वाला ठीक है और ये जो है सत्ताईस दिसंबर दो हज़ार सत्ताईस दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव झारखंड के किस छात्र को अमेजन की ओर से एक पॉइंट एक पाँच करोड़ रुपये का पैकेज मिला है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है शुभम राज बी है अरविंद कुमार सी है जानकी सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें से राइट right आंसर आपका हो जाएगा शुभम राज शुभम राज को अमेजन की ओर से एक पॉइंट पंद्रह करोड़ का जो है पैकेज मिला है ये जो है रांची के रहने वाले हैं और इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो है ये मिला है पैकेज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेगा लिफ्ट योजना सिंचाई योजना मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितने राशि की स्वीकृति दी गई है पहला ऑप्शन हमारे पास है बारह हज़ार चार करोड़ बी है एक हज़ार करोड़ डी है दो सौ करोड़ और ई है इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बारह सौ चार करोड़ ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है और ये देखिए भूमिगत भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई और ये दुमका ज़िले के लिए है ये जो है भूमिगत सिंचाई है और ये दुमका ज़िले के लिए लॉन्च की गई है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर पैसेंजर ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर स्कीम देखिए यहाँ राइटिंग लिखा गया यहाँ राइडिंग होगा क्या होगा राइडिंग स्कीम 2022 हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है तो पहला ऑप्शन हमारे पास है ये नंबर नौ अरब एक लाख रुपए बी है एक अरब उनचालीस लाख रुपये सी है दस करोड़ रुपये और डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें से राइट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एक अरब उनचालीस लाख रुपये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है देखिए स्वीकृति जो मिली है राशि ठीक है इस योजना को पूरा योजना के लिए जो स्वीकृति मिली है वो मिली है नौ अरब एक सौ छियासी करोड़ लेकिन अभी जो मिलने वाला किस्त में तो एक अरब उनचालीस लाख रुपये ही मिलेंगे अक्स बायस के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसके पहले जान लेते थोड़ा चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर पैसेंजर ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर स्कीम के बारे में देखिए इसमें जो कार्डधारी हैं उनको यहाँ पर जो है प्रति लीटर पच्चीस रुपये सब्सिडी दी जाएगी और ये दस लीटर तक मान्य होगा ठीक है दस लीटर तक लीजिएगा तो उसमें से मान्य होगा ये आप लोगों ने सुना ही होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पेट्रोल पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है पेट्रोल पर सब्सिडी जो स्कीम अभी हम आपको बताएं चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर पैसेंजर फॉर पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम तो इसमें से जो है कौन सा अप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तो सी एम सपोर्ट्स सी एम सपोर्ट स्कीम जो है यहाँ पर यही लॉन्च किया गया है सी एम सपोर्ट ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखिए इसमें क्या था? होता है कार्ड होता है ना जो एन एफ एस ए कार्ड होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसमें लिखा रहता है या फिर ग्रीन कार्ड हरा कार्ड लाल कार्ड जो है उन्हीं को मिलेगा इस योजना का लाभ तो क्वेश्चन नंबर एट है ग्राम सेतु योजना के तहत कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 500 करोड़ बी है 225 करोड़ सी है 400 करोड़ और डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें से राइट right आंसर हो जाएगा आपका 225 करोड़ 225 करोड़ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा और देखिए 500 जो करोड़ यहाँ लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में ये जो है राज संपोषित योजना में ये जो होगा राज का संपोषित योजना में खर्च होगा ठीक है और चार सौ जो करोड़ है ये ये होगा ग्रामीण सड़क में ठीक है ग्रामीण सड़क में और ग्राम सेतु क्या होता है जानते हैं सेतु मीन्स पुल बांधना यही सब होता है इस योजना में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन किस मिशन के तहत झारखंड सरकार ने 800 करोड़ रुपये पेयजल आपूर्ति योजना के लिए स्वीकृति दी है पहला ऑप्शन हमारे पास है जल जीवन मिशन बी है जल ही जीवन मिशन सी है झारखंड जल योजना और डी है मुख्यमंत्री जन जल योजना तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइन का हो जाएगा आंसर जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत तो जो है आठ सौ करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है इसमें देखिए पचास परसेंट जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अनुमानदान देता है सभी स्टेट को और सोलों जिलों को इससे लाभ मिलेगा झारखंड की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टीन एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत झारखंड राज्य को किस राज्य से जोड़ा गया है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है असम बी है केरल और सी है मध्य प्रदेश और डी है गोवा तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है इसका राइट right आंसर हो जाएगा गोवा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा हो जाएगा ठीक है इसमें क्या है इस ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत में तो इसमें संस्कृति का आदान प्रदान होता है रीति रिवाज का आदान प्रदान होगा इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित होने वाला अस्पताल का नाम बताइए पहला ऑप्शन हमारे पास है रानी अस्पताल बी है डॉक्टर लाल हॉस्पिटल सी है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डी है सिटी हॉस्पिटल तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रानी अस्पताल या हो जाएगा रानी अस्पताल ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है झारखंड का पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था ऑप्शन हमारे पास है जमशेदपुर बी है बोकारो सी है तिलैया और डी है हज़ारीबाग तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में देना है तो वीडियो अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप अभी तक नए हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत